गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पहले, बिफोर दैट आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है। द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इज़ द होल नंबर ऑफ पीपल और इनहैबिटेंट इन अ कंट्री और रीजन। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में या कंट्री में रहने वाले नंबर ऑफ पीपल्स को ही हम पॉपुलेशन कहेंगे। द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सडन लार्ज इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन बनता जा रहा है। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है कि हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। इन सिंपल वर्ड्स अगर अपन बात करें तो इट कुड बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन बर्थ रेट्स एंड डिक्रीज इन डेथ रेट्स। एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की अगर अपन परसेंटेज की अगर अपन बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूएन डाटा यूनाइटेड नेशन, करंट में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17.5% है। वहीं चाइना की पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 19% है। इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.64% है। अब अपन देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है वो मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर स्पेस। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है एंड वो ग्रुप जो है वो सेम स्पीसीज के हैं और जो एक पर्टिकुलर एरिया पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं सेम स्पीसीज के, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का जो ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर एरिया पर रह रहे होते हैं, उन सब लोगों को हम एक साथ पॉपुलेशन कहते हैं। अब है ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओवर पॉपुलेशन इज अ कंडीशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म नंबर एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स हैबिटेट। ओवर पॉपुलेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइज और डेंसिटी, इट इज डिटरमाइंड यूजिंग द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू अवेलेबल रिसोर्सेज। ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उनका हैबिटेट जो होता है वो रहने का प्लेस जहाँ पर वो रह रहे हैं उस प्लेस पर, उस एरिया पर जब उनका नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ऑर्गेनिजम्स के नंबर जब इंक्रीज हो जाते हैं तो उसे हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं लाइक फूड, लैंड, इन सब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है तो उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन बर्थ रेट में इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डेथ रेट का डिक्रीज हो जाना है। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ का बेटर हो जाना भी एक कॉज होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इंक्रीज इमिग्रेशन, पर्सन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। डिक्रीज इन इमिग्रेशन, लोग जो हैं इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर जा तो रहे हैं बट वो वहाँ से उस जगह से वापस नहीं आते, वहीं पर सेटल हो जाते हैं। नेक्स्ट है इलिटरेसी, लोगों का एजुकेटेड नहीं होना, ये भी एक रीज़न होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब अपन इसको ब्रीफली अगर अपन देखें तो क्या होता है, इंक्रीज इन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का इंक्रीज हो जाने से क्या क्या कॉजेज होते हैं बर्थ रेट के इंक्रीज होने के। तो फॉर बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न पर 1000 पीपल पर ईयर। विद द एडवेंट ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल बिलीव्स, द बर्थ रेट इंक्रीजेज विच कॉजेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसमें इकोनॉमिक की, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक जो है ये तो कुछ रीजंस होते हैं जो कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं आजकल इम्प्रूव होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है जिसकी वजह से बेटर डिलीवरी हो रही है, जिसकी वजह से बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है। अब जो सोशल बिलीव्स होता है इसमें देखें तो बहुत सारी सोसाइटीज़ एंड एरियाज़ में कुछ सोशल बिलीव्स रखते हैं जो बेबी से रिलेटेड, जैसे मेल बेबी,
जब तक मेल बेबी नहीं होता तब तक उनको फोर्सफुली बर्थ करवाया जाता है मेल चाइल्ड के विष से। कंटिन्यूस बर्थ करती रहती हैं तो इससे भी पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी, लाइक बहुत जगह पर ये भी माना जाता है कि फैमिली में जितने ज़्यादा चिल्ड्रंस होंगे इनकम का सोर्सेज भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इन डेथ रेट। डेथ रेट जो है इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्संस पर ईयर। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैज़ रिजल्टेड इन डिक्रीज इन डेथ रेट। गुड एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, बेटर मेडिकल फैसिलिटी हैज़ प्रोवाइडेड लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ। आजकल डेथ रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जा रही है, होती जा रही है, किसकी वजह से? गुड एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये सब जो है वो एक इंडिविजुअल को हेल्दी लाइफ देते हैं जिसकी वजह से हेल्थ मेंटेन रहती है एंड डेथ रेट कम हो रही है। एंड डेथ रेट जो है अगर डिक्रीज होती जाएगी और बर्थ रेट इंक्रीज हो जाएगी तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट है बेटर मेडिकल फैसिलिटी। न्यू इन्वेंशंस ऑफ मेडिसिंस, अवेयरनेस टुवर्ड्स बेटर हेल्थ एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस डिजीजेस लाइक टीबी, स्मॉल पॉक्स, कैंसर हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। आजकल नई नई मेडिसिंस आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज बढ़ गई हैं, तो ये भी बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस पर मेडिकल फील्ड्स ने अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और लोगों को इन सारी डिजीजेस से भी ये बचा लेते हैं, तो ये भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक फैक्टर होता है। इसकी वजह से भी डेथ रेट जो होती है वो कम हो रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इमिग्रेशन। द कंट्रीज लाइक यूएसए वेयर द डेवलपमेंट हैड ब्रॉट गुड एनवायरमेंट फॉर सिटीजन्स टू स्टे अर्न एंड एन्जॉय हैड रिजल्टेड इन इंक्रीज इन इमिग्रेशन। तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, जो कंट्रीज हैं लाइक यूएसए जहाँ पर गुड एनवायरमेंट होता है, वहाँ पर लोग जो होते हैं मनी को अर्न करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर मूव कर जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं और वहीं पर सेटल हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी पॉपुलेटेड कंट्री होती है। ओके, नेक्स्ट है डिक्रीज इमिग्रेशन इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स लाइक पीस, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर सेटिस्फाइड, हैंस माइग्रेशन इज अवॉइडेड, दिस मे कॉज ओवर पॉपुलेशन। तो डिक्रीज इमिग्रेशन में क्या होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया क्या है, एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ का एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो पीपल्स जो होते हैं वो यहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए लोग जो होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, कुछ बिजनेस करने के लिए आते हैं और कुछ एजुकेशन के लिए, और वो वापस नहीं जाते, यहीं पर ही रह जाते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है इलिटरेसी। ड्यू टू सम सोशल बिलीव्स, लैक ऑफ नॉलेज टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, डिजायर फॉर मेल चाइल्ड आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच कॉजेज इंक्रीजेज इन पॉपुलेशन। तो इलिटरेसी में क्या होता है, इलिटरेसी कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए, इलिटरेसी की वजह से लोगों में लैक ऑफ नॉलेज हो गया है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब नॉलेज की कमी, अवेयरनेस की कमी होती जा रही है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कुछ सोशल बिलीव्स भी होते हैं, तो इन सब की वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर हो जाता है। सम अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या होता है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कॉज करते हैं। फर्स्ट है इसमें प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो इसमें क्या है कि इंडिया में वुमेन्स को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, ये भी एक रीज़न होता है। वैल्यू, नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी। बहुत जगह पर मेल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो मेल चाइल्ड की विश में कंटिन्यू बर्थ देते हैं अगर कंटिन्यूस फीमेल बर्थ हो रही होती है तो। नेक्स्ट है विडो मैरिज, कस्टम एंड बिलीव्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या कॉजेज हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसमें फर्स्ट है लैंड और स्पेस।
जितना ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा लैंड और स्पेस की कमी होती जाएगी। नेक्स्ट है हाउसिंग प्रॉब्लम्स। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है उतनी ज़्यादा फूड की डिमांड्स भी इंक्रीज हो जाती है, एंड जितना ज़्यादा फूड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो माल न्यूट्रिशन फूड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वाटर की नीड होगी, और वाटर ही नहीं पहुँचेगा तो थर्स्ट की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हो सकती है वाटर ना हो तो। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजेबल। जितने पॉपुलेशन इंक्रीज होंगे उतने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, और उन सारे वेस्टेज को डिस्पोज करने की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है सैनिटेशन। नेक्स्ट उसके बाद में है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जितने ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, पॉवर्टी होगी उसको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्राइम्स हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन के इंक्रीज में लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्राइम करने लग जाते हैं, तो इससे क्राइम भी इंक्रीज होने लग जाता है। और नेक्स्ट है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा क्राउड बढ़ सकता है, और ट्रैफिक की जो वो प्रॉब्लम्स जो है वो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है फ्यूल एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई एंड एनर्जी डिमांड्स भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। थैंक यू।